बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। ये लें जी, ये स्टाम्प पेपर आ गया है, ट्रायो सेट जा रहा है शेखपुरा करी साहब के पास। ये एग्रीमेंट है जी हमारा कि एक साल में जितने भी चेक्स निकलेंगे हम उनसे परचेस करेंगे। और ये नदीम भाई ने जनाब एग्रीमेंट किया है और साथ में उनका थंब, ये अब जा रहा है उनके पास, उधर से उन्होंने अपना थंब लगाना है। तो एक कापी हमारे पास है, एक कापी उनके पास है और ये चीज़ जा रही है जी। ट्रायो सेट आप देख लें माशाल्लाह, फिर आगे दिखाते हैं कंप्यूटराइज एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे जी। जो चीज़ हम देते हैं उसकी एक एक चीज़ आपके साथ शेयर भी करते हैं। ये ट्रायो सेट जा रहा है माशाल्लाह, अंडे वंडे दे रही हैं मुर्गियाँ, और इंशाल्लाह जब ये बच्चे वगैरह निकलेंगे इनसे तो सारे के सारे हमने परचेस करने हैं इनसे। ट्रायो सेट आपके सामने है माशाल्लाह, खूबसूरत तीन बर्ड है, और ये पिंजरे में डाल के हमने कारी साहब के जो है ना वो अभी कार्गो करनी है। बाकी आपको आगे कंप्यूटराइज जो हमने सारी लिख पढ़त की है जी वो भी आपको दिखाते हैं कि ये चेक करो। अब जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जी सारा, इकरारनामा स्टाम्प पेपर जो भी होता है जी, अब वो कंप्यूटराइज हो गया। तो इसमें जनाब हमने हर चीज़ जो हमने जितने की दी है चीज़ और जितने की चीज़ हमने वापस लेनी है जो चिक्स आएंगे वो सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं जी। 85,000 रुपये का एक पीस है, एक पीस ट्रायो सेट का आप हिसाब लगा लें 85,000 रुपये के हिसाब से कितने बनते हैं। फिर जब इनमें से चिक्स निकलेंगे जी 4,500 रुपये का पीस चिक का हमने वापस लेना है। एक साल तक हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया जी, एक साल तक जितने भी चिक्स निकलेंगे सारे के सारे हमने लेने हैं इनसे। 3 से 4 दिन का चिक होगा जो हमने इनसे उठा लेना है, बाकी फिर हम पास ला के उसकी वैक्सीन वगैरह करेंगे और उसके बाद उसको मल्टीविटामिन दूसरा तीसरा करके 8 से 10 दिन तक जो है ना वो हम आगे फिर सेल कर देते हैं। बाकी ये इकरारनामा है जी और हर चीज़ क्लियर एंड कट आपके सामने। ये जो जितने भी हैं ना हेटर्स और जितने भी जिनको लगी हुई है मिर्चें लगी हुई हैं, जिनको जो कमेंट्स करते हैं नीचे, ये सब उनके लिए है। क्यों? आप उनसे तो कुछ किसी बंदे ने कुछ चीज़ लेनी नहीं है, किसी बंदे ने कुछ चीज़ परचेस करनी नहीं है, क्योंकि उनका काम है सेल करना और गायब हो जाना। फसली बटेर बोलते हैं उनको, फसली बटेर, जब फसल हुई बटेर आता है, जब फसल नहीं होती तो बटेर उड़ जाता है। ये उनके लिए एक तमाचा है उनके मुंह के ऊपर कि आपसे अब कोई चीज़ कोई बंदा नहीं लेने वाला। एक तो आपने दो नंबरी की है लोगों के साथ, बंदों के साथ दो नंबरी की है, दूसरा आप चीज़ दे के गायब हो गए। अब ये जो सीन है ये हमने जो कर दिया, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ हमने जो है ना वो वाज़ह तौर पे लिखी हुई है कितनी कुल कीमत बनी है और कितना जो है ना वो सिस्टम है सारा। बाकी ये बर्ड भी आप साथ साथ देखें और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता हूँ इसमें। अब एक साल के बाद भी हमने इनसे परचेस करने हैं क्योंकि हमारी ये ज़रूरत है, चिक्स हमारी ज़रूरत बन चुकी है, हमने इनसे जो है ना वो लेने ही लेने हैं, ये लाजमी हमने लेने हैं जी। और एक साल तो हमने इनसे उठाने हैं। ये कारी साहब हैं, इन्होंने पहले हमसे चिक्स मंगवाए छोटे, फिर इन्होंने मंगवाए महीने के, अब इन्होंने मंगवाए हैं जनाब पूरा ब्रीडर जो अंडे वंडे दे रही हैं, यानी कि जाते ही अर्निंग स्टार्ट, उन्होंने बच्चे निकालने हैं, हमने बच्चे परचेस करने हैं आगे से। तो ये सिचुएशन है। और बाकी एक और दुनिया आजकल क्या रही जी, इस्लामाबाद वाले जो हैं वो बड़े महंगे रेट हैं उनके जी, और वो 85,000 रुपये का एक पीस देते हैं, हम आपको देते हैं जनाब 7,000 रुपये का। और 7,000 रुपये में और 85,000 रुपये में फ़र्क कितना है, खोते घोड़े में फ़र्क भी समझा करें ना। वो 7,000 रुपये में देगा क्या, देगा आपको यूरोपियन ब्रीड टकराएगा, यूरोपियन ब्रीड होगी वो ग्रे टंग में होगी, ग्रे भी नहीं होगी बल्कि वो पिंकिश मार रहा होगा, तो वो आपको ये चीज़ टकराएगा। तो हम जो है 85,000 रुपये में जो दे रहे हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है जी, हमने इतने हज किए हैं तो हमने इतने उम्रे किए हैं तो हम जनाब वो 7,000 रुपये का पीस दे रहे हैं और वो 85,000 रुपये का पीस दे रहे हैं। तो 85 और 7,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है, और खोते और घोड़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये नहीं, खोते को भी जनाब घोड़ा ही समझ लें। तो चीज़ भी आपके सामने है, लोकेशन हमारी इस्लामाबाद,
वो भी हम आपके जनाब गोश्त गुवार करते हैं कि आए हमारे पास विज़िट करें, चीज़ चेक करें और फिर जो है ना वो ले कर जाएँ। ये जो मैंने आपको मिसाल दी है ना कि ये इतने उम्र की हैं और इतने हज किए हैं जी, ये एक बंदा है लाहौर में है मेरे ख्याल से, और वो लोगों को कह रहा है जनाब इस्लामाबाद वाले तो बड़े महंगे दे रहे हैं, मैं 7,000 रुपये का पीस देता हूँ आपको, आप हमारे पास से लेके जाएं। तो उन भाइयों के लिए गुजारिश है जिनको नहीं पता कि जनाब ग्रे टंग और ब्लैक टंग में क्या फ़र्क है, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ पहले सर्च किया करें, उसके बाद चीज़ जो है ना वो आप ख़रीदा करें, फिर बाद में मैसेज कर रहे होते हैं जी हमारे से चिक्स ले लें आप, वो देखते हैं जब उनके ब्रीडर कौन से हैं जी, तो वो पड़े हैं जी ग्रे टंग में, फिर कहते हैं जी वो हमें तो पता ही नहीं है जी, ये हमारा नुकसान हो गया, और ये भाई ने कहा था जी ये इंडोनेशियन ब्रीड है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ग्रे में और ब्लैक में कोई फ़र्क नहीं है, उन्होंने गधा घोड़ा एक बनाया हुआ है कि ग्रे में और ब्लैक में कोई फ़र्क है ही नहीं है, ये जनाब वैसे ही लोगों ने जो है ना वो शोशा छोड़ा हुआ है कि ये ब्लैक है और इसकी कीमत इतनी है और ये ग्रे है और इसकी कीमत इतनी है, आखिर गधे और घोड़े में भी तो कोई फ़र्क है ना, अगर इतनी है तो फिर आप 7,000 रुपये का क्यों दे रहे हो भाई, 80,000 रुपये का तो फिर आप। तो मैं तो दावे से कहता हूँ जी आए हमारे फार्म के ऊपर, एक साल का एग्रीमेंट करेंगे, बच्चे भी ख़रीदेंगे एक साल पूरा और उसके बाद भी ख़रीदेंगे। दूसरी ये बात है कि ये तो हो गया ब्रीडर के हवाले से, अगर कोई चिक्स लेना चाहे 8,000 रुपये का चिक देंगे जी एक वीक का, 10 दिन का, उसका भी एग्रीमेंट करेंगे, एक महीने बाद वापस लेंगे और 12,000 रुपये का हम वापस परचेज़ करेंगे, इसी तरह महीने वाला जो पीस है वो भी देंगे हम 12,000 रुपये का और महीने बाद वापस लेंगे 15,000 रुपये का, 2 महीने वाला जो पीस है वो देंगे 18,000 रुपये का और 2 महीने बाद वापस लेंगे 25,000 रुपये का, इसी तरह 4 महीने वाला जो पीस है वो देंगे 30,000 रुपये का और 2 महीने बाद लेंगे 40,000 रुपये का, ये बचत आप खुद हिसाब लगा लेंगे आपको प्रॉफिट कितनी आ सकता है, तो इसके ऊपर भी हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो भाई एग्रीमेंट करना चाहे जी वो आए एग्रीमेंट कर ले हमारे साथ। तो ये लाहौर के लिए, लाहौर के बस में हमने रखवाया है, मोटरवे से ये जाएगा जी सारा, और ये शेखुपुरा इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे और उधर जो है ना वो कारी साहब को चिक्स मिल जाएंगे, चिक्स कह रहा हूँ ब्रीडर से मिल जाएंगे, तो उसके बाद उनका जो है ना वो हम फीडबैक भी लेंगे जी इंशाल्लाह, वो फीडबैक देते हैं तो वो वीडियो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे जी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई काम करो एक नंबर और साथ लेके चलो, वो डोली में डाल दिया वैसे ना वैसे ये वाला सीन नहीं है, डोली में भी डालेंगे और साथ में लेके भी चलेंगे, आपको जो है एंड तक लेके चलेंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगी, सो प्रॉफिट लेते जाएं और काम करते जाएं, मेहनत आपकी और फल अलग ही ज़्यादा देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।